वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जो है वो कोलकाता में है, द सिटी ऑफ पैलेस और द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जो है कोलकाता को जाना जाता है। द सिटी ऑफ पैलेस क्योंकि इसे टाइटल पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पैलेस वगैरह जो है कि आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और द सिटी ऑफ जॉय क्योंकि यहाँ पे लोग फेस्टिवल को जो है कि बहुत उत्साह से और धूमधाम से मनाते हैं। और कोलकाता का दशहरा का फेस्टिवल जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे बड़े बड़े पंडाल्स बनाए जाते हैं और बड़े बड़े जो है कि यहाँ पे मूर्ति वगैरह जो है बनाए जाते हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, इस कल्चर को इन्जॉय करने के लिए। तो हम लोग तो जो है कि अभी कोलकाता में मॉर्निंग में पहुँचे हैं सिलीगुड़ी से, और यहाँ पे जो है कि इवनिंग में मेरी ट्रेन जो है यहाँ से। तो एक दिन है मेरे पास, कुछ प्लान्स थे जिसमें से एक जो है कि स्वाति मैम है यहाँ पे, जो 200 टाइप के डिफरेंस फ्लेवर के रसगुल्ला बनाते थे, मुझे उनसे मिलना था। और मैंने उससे जो कि फ़ोन पे बात भी किया, बट लेकिन वो आउट ऑफ सिटी हैं इसलिए शायद इस बार पॉसिबल नहीं हो सका है। मैंने बोला था कि अगर मैं आ जाती हूँ तो आपको ज़रूर कॉल करूँगी, बट लेकिन अब तक कॉल नहीं आया, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम का प्लान रहेगा। बाकी जो है, अगर आप कोलकाता आते हैं तो कुछ प्लेसेस हैं जिस जो आप बिना घूमे जा नहीं सकते। उसमें से एक है विक्टोरिया मेमोरियल। वो जो है कि विक्टोरिया मेमोरियल, क्वीन ऑफ विक्टोरिया जो है उसके याद में बनाया गया वो मेमोरियल है। तो हम लोग जो है कि अभी फर्स्ट चलेंगे वहाँ पे। बाकी कोलकाता की हिस्ट्री की बात करूँ तो ये ब्रिटिश राज में जो है कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है कि वो फर्स्ट कोलकाता थी, जब तक कि दिल्ली ये शिफ्ट नहीं हुई। बाकी जो है लंदन के बाद जो है सेकेंड जो है कि जो फाइनेंशियल सिटी जो थी वो कोलकाता थी इंडिया में। तो ये जो है कि अपने आप में बहुत है, तब से लेके अब तक जो है कलकत्ता से लेके कोलकाता तक जो है कि चेंज हो गया, बट लेकिन यहाँ की जो कल्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लोग अब भी जो है कि वैसे अपने कल्चर्स को फॉलो करते हैं और मनाते हैं, ये करते हैं। अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस आपको हर जगह होते हैं। तो हम जो है कि बुरे एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ते हैं और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जो है कि इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी जो है हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल जो है कि वो आ चुके हैं, और मैं जो है कि वो विज़िट कर चुका हूँ। अब म्यूज़ियम जो अंदर है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है अंदर में, लेकिन आप फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिया है जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब बाकी जो है म्यूज़ियम अच्छी है, आप अंदर एक बार विज़िट कर सकते हो। प्लेस जो है कि वो बहुत अच्छी प्लेसेस है टाइम एक्सपेंड करने के लिए। अगर आप 2-3 घंटा एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ आ सकते हो। नेचुरल वाइब है आसपास में, जो है कि बहुत सारे छोटे छोटे गार्डन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, प्लस थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। बाकी जो है ये 64 acres में जो है बना हुआ है, और इसको जो है कि विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के याद में जो है वो बनाया गया था। और ये 1901 से लेकर 1921 के बीच में जो कि इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हुआ, और 1921 में जो है ये बन के तैयार हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंदर भी जो है म्यूज़ियम में मिल जाएंगे। बाकी जो है ये जो है कि 64 acres में पूरा फैला हुआ एक गार्डन टाइप का है, उसके बीच में जो है कि एक बना हुआ है। अभी धूप की वजह से जो है फोटो वगैरह या वीडियो जो है कि बहुत क्लियर नहीं आ रहा, बट लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इवनिंग वगैरह के टाइम में आए 2-3 बजे, जिस टाइम में जो है कि सूरज जो है वो थोड़ा सा अपोजिट साइड चला जाता है, तो अच्छे फोटोज़ वगैरह भी आएंगे ही आएंगे। मॉर्निंग वगैरह में आप नहीं आए उसके, क्योंकि आपका फोटो वगैरह अच्छा आता नहीं है उसके लिए, तो इवनिंग बेस्ट टाइम है विजिट करने के लिए। टाइमिंग वगैरह जो है वो चेंजेस होता रहता है, तो आप वो एक बार चेकआउट कर लें गूगल पे, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बाकी जो है अभी हम लोग नेक्स्ट जो है कि यहाँ से फोर्ट विलियम जो है कि वो चलने का ट्राई करते हैं, अगर कुछ टैक्सी वगैरह मिल जाता है या कुछ ये हो जाता है। मुझे लगा वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, बट ये 1 घंटा दिखा रहा है वॉकिंग डिस्टेंस, तो उतना पॉसिबल है नहीं, टाइम नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है, बट लेकिन टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं टैक्सी वगैरह अगर मिलता है तो वहाँ चलते हैं, नेक्स्ट प्लेस जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर एक घाट जो है कि हम लोग कोई चलेंगे जो नियरेस्ट घाट होगा, और वहाँ से फेरी जो कि हम लोग लेंगे। बाकी अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ यहाँ तक आने के लिए, अगर जो है टैक्सी वगैरह, तो टैक्सी आप कहीं से भी ले सकते हैं, इजीली वे मिल जाएगा। बाइक टैक्सी मस्ट ट्राई करना, बहुत बकवास सर्विस है। कोई भी ऑपरेटर जो है सही से नहीं दे रहा, ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ के लोग ही इतने टैक्सी जो बाइक टैक्सी ड्राइवर है इतने बदतमीज़ हैं कि उसका मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। तो बेटर है कि आप प्रीफर करोगे जो यहाँ के येलो टैक्सी है, जो यहाँ के आइकॉन भी है, तो आप उसे लो, जो कि ओल्ड येलो टैक्सी जो है कि आपको कोलकाता में ये भी देखने को मिलता है, तो आप वो टैक्सी लो, उससे आओ। या बाकी सबसे बेस्ट और इजी वे में अगर आप ट्रांसपोर्ट अगर कोलकाता में करना चाहते हो तो बस है, आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगा। 10 रुपये एक मैक्सिमम टिकट प्राइस है और हर जगह के लिए मिल जाएगा। धावरना ऐसे ताला करके कोई प्लेस है, वहाँ आना होगा, वहाँ से मैं स्क्रीन पे नाम दे दूंगा प्लेस का, वहाँ से आपको विक्टोरिया मेमोरियल के लिए मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप पूछ लो, अगर वहाँ से भी मिल जाती है तो वहाँ से मिल जाती है। थोड़ा वो आपको उतार देगा एक कट पे, और वहाँ से आपको जो है चल के आना होगा, लगभग 10-15 मिनट का वॉक करके जो है कि आप अंदर आना होगा। डायरेक्ट गेट तक जो है वो बस नहीं आती है, तो आप वॉक करके बहुत इजीली वे में आ सकते हो यहाँ तक।
यहाँ से जो है कि आप येलो टैक्सी ले सकते हैं कोलकाता में कहीं भी जाने के लिए, ये टैक्सी जो है कि आपको हर जगह दिखने को मिलेगा और ये कोलकाता का जो आइकॉन टैक्सी है। यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको बग्गीज जो मिल जाएंगे जिस पे आप राइड ले सकते हो, और बहुत प्यारे बग्गी लग रहे हैं। और इसके जो है कि 500-300 जो चार्जेज है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अभी जो है हम लोग वो पॉल कैथेड्रल चर्च में आए हुए थे, अभी अंदर विजिट किए हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं है। मेरे पीछे जो है ये चर्च है बहुत ही खूबसूरत है, आप आ सकते हैं। आपको वो ओल्ड मूवी वगैरह का जो चर्च जिस टाइप का दिखता है वैसा दिखेगा आपको। अभी इसका रिनोवेशन वगैरह भी अंदर चल रहा है। तो बाकी नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे एक घाट चलेंगे, बाबू घाट करके है, अच्छा प्लेस है, चलते हैं। अभी जो है हम लोग वो कोलकाता का आइकॉनिक टैक्सी जो है वो येलो कलर टैक्सी, मैं उससे जो है अभी राइड कर रहा हूँ। और अंकल से जो है कैश तो यही है, 200 उन्होंने चार्ज किया, बट लेकिन कैश तो नहीं है। अंकल अभी ATM पे लेके जा रहे हैं, ATM वहाँ से ले करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग जा रहे हैं बाबू घाट। बाबू घाट से फेरी भी लेंगे और आपको टैक्सी का बाहर का भी लुक दिखाता हूँ। अंकल आपका नाम क्या है? आप यहीं कोलकाता से हो? अभी जो है हम लोग वो ईडन गार्डन स्टेडियम से जो है कि गुजर रहे हैं। ये सामने जो है वो ईडन गार्डन स्टेडियम है। इस टाइप का जो है कि येलो टैक्सी होता है जो कि यहाँ कोलकाता में यूज होता है। ये एम्बेसडर गाड़ी जो पहले आती थी उसी टाइप की गाड़ी में जो कि इस टैक्सी को जो कि येलो कलर में चलाया जाता है। और एम्बेसडर गाड़ी जो है कि अब वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। पहले मर्करी वगैरह लोगों के पास जो कि होता था, बट लेकिन अभी तो ये अपग्रेड गाड़ी आ गई है, 4x4 वगैरह वो सब गाड़ी यूज़ होने लगी है। अभी हम लोग जो है वो बापू घाट जो है वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अभी जो है हम लोग एक फेरी राइड लेंगे। अंकल ने 200 में जो है कि वो यहाँ से छोड़ दिया था टैक्सी से, येलो टैक्सी, कोलकाता का फेमस येलो टैक्सी है। ये एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से आगे आप जा सकते हो। अलग अलग कंपनी जो है यहाँ पर अपना फेरी चलाती है, बहुत चीप है, और आप यहाँ से जो है कि एक बार देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज के फेरी लगी हुई है, आप अलग अलग का बुक कर सकते हो। वो अभी एक निकल रही है और दूसरी वाली लग रही है, तभी हम लोग चलेंगे, देखते हैं जिस पे पॉसिबल हो पाता है। बहुत सारी यहाँ से वहाँ तक लगी हुई है फेरी, बड़ी जहाज़ भी लगी हुई है। अभी हम लोग उस पार जाएंगे, फिर उस पार से इस पार आएंगे। अभी जो है मैं वो फेरी पे आ चुका हूँ, ये सामने जो है फेरी रहा है। यहाँ से हम लोग जो है ये हावड़ा जा रहे हैं, हुगली नदी में जो है ये फेरी चलती है, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो चलाती है इसे, और बहुत ही चीप रेट में जो है कि आप ट्रांसपोर्ट का, बहुत चीप रेट है, 10 रुपये में जो है कि आप फेरी का राइड कर रहे हो, और क्या चाहिए आपको। इस वजह से ज़्यादातर पब्लिक जो है इसे यूज़ करती है ट्रांसपोर्ट, एज ए ट्रांसपोर्ट। ढूंढते हो तो झील के अंदर होटल है। अगर आप केरला जाते हो तो वो होटल जो है वो आपको बोट राइड भी करवाती है, एलपी में है। हाँ, एलपी में है, वो लोग तो घुमाते भी हैं। घुमाते है। इसमें क्या है? इसमें बस फिक्स्ड है, वहीं पे रहना है, वहीं पे। हाँ, तो चलता उलता नहीं है ये ना।
अभी जो है हम लोग खैरी से जो है वो हावड़ा रेलवे जंक्शन पे हैं। ये सामने जो है हावड़ा जंक्शन है और फाइनली जो है हम लोग वो राइड करके चले आए हैं। हम लोग गए थे हावड़ा रेलवे स्टेशन, वहाँ पर मैंने खाना खाया और फिर रिटर्न जो है मैं सेम घाट पे आ गया हूँ। और अभी जो हम लोग काला हट्टा जा रहे हैं न्यू मार्केट बिल्डिंग, न्यू मार्केट एरिया के नाम से जाना जाता है ये एरिया। यहाँ पर शॉपिंग वगैरह के लिए लोकल शॉपिंग वगैरह, स्ट्रीट शॉपिंग हो गया, बहुत अच्छी ब्रांड वगैरह की शॉपिंग वगैरह भी यहाँ पर शॉप से है पड़े सारे। ये हाथ से चलाने वाला ई रिक्शा, आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा और देखा होगा, कई मूवीज वगैरह में ये यूज़ हुआ है। ये हाथ से जो है इसे खींचा जाता है। जो है मैं कोलकाता का जो कुछ टूरिस्ट प्लेस को मैं एक्सप्लोर करके आ गया हूँ। अभी मैं होटल आ गया हूँ क्योंकि मेरी शाम में जो है वो गाड़ी है। ऑलमोस्ट टाइम भी जो है कि वो इवनिंग हो चुका है और मैं जो है कि कुछ आसपास के लोकल मार्केट को भी मैं एक्सप्लोर किया था। बेसिकली बस स्टैंड, जो मेन बस स्टैंड है स्प्लेंडर या ऐसे कुछ करके नाम है उस बस स्टैंड का, वहाँ पर जो धर्मा टाला ऐसे कुछ करके जगह का नाम है। तो वहाँ पर जो है कि मार्केट्स वगैरह है आसपास में, ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह की मार्केट है, प्लस स्ट्रीट शॉप्स वगैरह भी हैं। तो आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ अगर आप बाई करना चाहते हो तो वहाँ बाई कर सकते हो। बाकी विक्टोरियल मेमोरियल उसी के पास है, सामने में है चपको, वहाँ से जो है कि आपको बसेज मिल जाएंगी जो 10 रुपये में जो आपको विक्टोरियल मेमोरियल के पास से आके छोड़ देंगे। वहाँ से आपको चल के जो है 15-20 मिनट चलना होगा और पहुँच जाओगे। आसपास में कैथोलिक चर्च भी है जिसे आप वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस वहाँ से आप जो है कि घाट जा सकते हो। वो घाट पे जो है कि घाट से आप जो है फेरी लेके आप फेरी का राइड कर सकते हो हावड़ा तक। तो हावड़ा स्टेशन जो है कि जस्ट सटा हुआ ही है आपको उंगली नदी के सामने, तो इस वजह से जो है कि आप वहाँ तक जा सकते हो और वहाँ से फिर आप बैक आ सकते हो 10 रुपये में। तो 20 रुपये में आपके दोनों ट्रिप्स हो जाएंगे और इतना सस्ता जो है फेरी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। फेरी जो है वो गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है और ये सबसे चीपेस्ट मोड है ट्रेवल का। तो इस वजह से आपको क्राउड दिखेगा, खासकर जब आप रेलवे स्टेशन की साइड से आओगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। बाकी मैंने खाना भी वहीं पे, एक रेस्टोरेंट है लॉन्ज है उसी में मैंने खाना खाया था। क्योंकि अगर आप कोलकाता आते हो और कोलकाता रसगुल्ला और प्लस क्या कहते हैं मछली, दोनों के लिए फेमस है, तो रसगुल्ला के लिए तो मेरी स्वाति दीदी से जो है कि इस बार मीटिंग हो नहीं पाई, बट लेकिन मैंने जो है कि मछली भात जो है वो ट्राई किया स्पेशली। यहाँ पे एक जो है कि बंगाली थाली भी था स्पेशल करके, बट लेकिन वो आज बना नहीं था, मेरा मन था वो ट्राई करने का बट लेकिन बना नहीं। बाकी आसपास में अच्छे मार्केट्स हैं, मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए। बाकी जो है कि कोलकाता जो है वो शॉपिंग के लिए भी बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश के भी बहुत सारे क्लॉथ्स आते हैं, आप उसके लिए आपको चीप एंड बेस्ट में मिल जाएगा। बाकी ब्रांडेड वगैरह भी हैं। बाकी आपको ओल्ड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि कोलकाता जैसा कि पहले ब्रिटिश राज में ये कैपिटल भी रहा है इंडिया का, तो उस वजह से यहाँ पे जो है कि आपको उसका छाप पूरा देखने को मिलेगा। इस वजह से जो है कि अंग्रेज लोग भी जो है यहाँ घूमने के लिए आते हैं और थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है कि क्रिश्चियनिटी का भी जो है थोड़ा सा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जगह जगह पे आज जो है। तो
बाकी चीज़ें जो एक्सप्लोर करने के लिए कोलकाता में बहुत कुछ है, पहाड़ी स्ट्रीट पे जो कि आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिल जाएगा और कुछ ना कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि इसे जॉय ऑफ सिटी कहते हैं, तो ये फेस्टिवल का अब भी आपको नज़ारा दिखेगा। अभी मैं जा रहा था रोड पर, पंडाल्स लगे हुए हैं, पूजा चल रहे हैं, कोई इवेंट चल रहा है, तो मतलब ये आपको हर वक्त देखने को कोलकाता में मिलेगा। खाने के लिए तो क्या बोले, कोलकाता के लोग जो है खाने के लिए तो मशहूर हैं ही हैं। बाकी चीज़ें जो हैं कि कुछ रह गई, कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, और नेक्स्ट टाइम जो है कि फिर प्लान बनाएंगे। कोलकाता आना जाना लगा ही रहता है, तो फिर जाके हम लोग उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बना के ब्लॉग बनाएंगे फिर से आपके लिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, कोई चीज़, कोई मार्केट आपके लिए लगता है कि इसे इसको ब्लॉग आना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे जो है कि कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको तक जो उसका वीडियो लेके आऊँ। अब बाकी जो है कि अभी मेरा फिर एक कोलकाता से एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द वो सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैं भी दोबारा फिर कोलकाता आऊँगा, तो फिर आपको जो कि सियोनली बस का जो है वो जर्नी भी आपको दिखा दूँगा। उसके पास वॉल्वो प्लस स्कैनिया दोनों हैं, और उसके बाद एक्सप्रेस लाइन की जो है कि चीज़ें हैं। बाकी कोलकाता से जुड़ी हुई मेरी कई यादें हैं। मैं जब 12th मतलब 10th पास आउट करने के बाद जब 12th के लिए मैं जाना चाह रहा था किसी सिटी में, तो मेरा मुझे पहला चॉइस कोलकाता दिया गया था। बट लेकिन मैं कोलकाता क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे भैया हैं, खलेरे भाई हैं, वो यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे। वो बता रहे थे कि मतलब लैंग्वेज की वजह से बहुत इशू होता है, ये होता होता, और भाई मैं उस डर से जो है कि यहाँ पे नहीं आया। बट लेकिन मैं अभी एक्सप्लोर करने के बाद जो है कि मुझे फील हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे लोग हिंदी समझते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं हिंदी में। ठीक है, उनका अपना लैंग्वेज है, वो उन पर बात करते हैं, बट लेकिन आप अगर पूछो तो जवाब देते हैं अच्छे से हिंदी में। लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस कोलकाता को लेकर बहुत ख़राब रहा, वो हुआ आपको जो है कि बाइक राइडर वालों, जो बाइक टैक्सी वाले हैं उनको लेकर, बहुत ही गंदा से रहा। टैक्सी सर्विस जो है यहाँ की बकवास है, तो आप ट्राई भी मत करना किसी भी ऐप को, चाहे वो ओला हो, चाहे उबेर हो, रैपिडो हो, कोई भी आप ट्राई मत करो। इजी वे में आपको चीप में आपको टैक्सी मिल जाएंगे, जो येलो टैक्सी है वो मिल जाएंगे, ऑटोज मिल जाएंगे। बाकी बस बेस्ट कनेक्ट है, और आपको हर पार्ट में कोलकाता के बस से आप कनेक्टेड हो, तो आप इजिली वे में। बाकी इंडिया के ओल्डेस्ट मेट्रो भी कोलकाता में, ये बात मुझे किसी बांग्लादेशी ने बताया, एक अंकल जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट की सीरीज में हमारे साथ डॉकीज ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने बताया। मुझे नहीं पता था कि मतलब ओल्डेस्ट जो है कि सबसे सॉरी डॉकी नहीं, मेरे साथ जो है कि जो लोग चेरापूंजी ट्रेवल कर रहे थे, कुछ लोग आए हुए थे बांग्लादेश से, तो वो लोग ने मुझे बताया कि इंडिया की सबसे पुरानी मेट्रो जो है वो दिल्ली सॉरी कोलकाता है। मुझे पता था दिल्ली है सबसे तो ये चीज़ें भी हैं। बाकी ट्रम जो है कि यहाँ पे 257 ट्रम है, जिसमें से भी 30 जो है कि ऑन रनिंग है, बाकी जो है कि अभी धीरे धीरे जो है कि उसका कल्चर ख़त्म हो गया। इस वजह से भी मेरा ज़्यादा प्रायोरिटी था उसे ये करना, बट लेकिन कोई लोकल फ्रेंड जो जानने वाला मेरा था, वो लोग अभी अवेलेबल नहीं है छुट्टी की वजह से, क्योंकि अभी दशहरा दीपावली प्लस जो है कि छठ का छुट्टी वगैरह चल रहा था, तो वो लोग अपने अपने घर चले गए। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं जो है कि ट्रम का जरूर आपको वीडियो ले दिखाऊंगा, उसका ट्रम का सफर जरूर करेंगे, क्योंकि उसका कोई ये नहीं है कि कब बंद हो जाएगा, और ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर कंट्री में जो है कि वो धीरे धीरे जी हैं, ये चीज़ें खत्म होते जा रही है, तो वो चीज़ें जो है कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी आइए, आप एक दिन रहिए, दो दिन तीन दिन में जो है कि आप कोलकाता को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ के स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हो, यहाँ के रसगुल्ला का मज़ा ले सकते हो। बाकी स्वाति देवी का स्टोर तो मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा, आप वहाँ जाकर जो है कि डिफरेंट टाइप के आप फ्लेवर के रसगुल्ला को जो है ये कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उसे उसका टेस्ट जो है कि आप ले सकते हो। तो बाकी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो है कि ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।